अब में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है पावर ट्रांसमिशन, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गियर ड्राइव। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं गियर ड्राइव की, गियर चालन की बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा गियर चालन और इसमें लिखिएगा यह एक धनात्मक चालन होता है, यह एक धनात्मक चालन होता है। इस चालन की सहायता से दो ऐसे शाफ्टों के मध्य शक्ति का पारेषण किया जाता है जिनके बीच दूरी अत्यंत कम हो, जिनके बीच दूरी अत्यंत कम हो। ये देखिए यहां पर हम एक गियर बना दे रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश करिएगा बनाने का, बन जाएगा अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोशिश करेंगे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आधे पे भी, मतलब दो चार दांते भी बना देंगे तो बहुत है। तो यहाँ हम बाकी के दांते नहीं बना रहे हैं, इस तरह से बना दिया। अब इसके साथ अगला जो है वो पिनियन है, तो इसका भी दांता इसी तरह से बनेगा, ये हमारा गियर है और ये हमारा पिनियन है, ये इधर घूम रहा है, ये भी हमारा इधर घूम रहा है, ठीक है। तो यहां पर कि हमने गियर ड्राइव का सिंपल सा फिगर बना दिया, इसमें लिखिएगा दो हो गया। यह गियर एक दांतेदार पहिया होता है, गियर एक दांतेदार पहिया होता है और गियर चालन में शक्ति पारेषण हेतु इन्हीं गियरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा अन्य चालनों की तुलना में गियर चालन के लाभ, या अन्य चालनों से गियर चालन की तुलना, ठीक है, अन्य चालनों की तुलना में गियर चालन के क्या क्या लाभ हैं। तो लाभ में लिखिएगा इसकी रख रखाव लागत होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, अधिक होता है, जीवन काल जो होता है वो अधिक होता है, इस चालन का जीवन काल अधिक होता है। तीसरा, यह कम स्थान घेरता है। तीसरा जो पॉइंट है, यह कम स्थान घेरता है। और चौथा, इसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है, मतलब इसमें जो एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी। पांचवा पॉइंट है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है, इजी टू ऑपरेट होता है, मतलब चालन में क्या होता है, सरल होता है। और छठा एंड लास्ट जो लाभ है वो ये है कि इसकी सहायता से कांस्टेंट एंड एक्यूरेट वेगा अनुपात प्राप्त होता है, वेलोसिटी रेशियो प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, तो ये हानियां क्या क्या है, लिमिटेशंस, इसके बारे में जान लेते हैं। लिमिटेशन आपके क्या क्या हैं, तो पहला, लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें स्नेहन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दूसरा, इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, इनिशियल कास्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि गियर निर्माण त्रुटिपूर्ण होने से कंपन की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। गियर निर्माण त्रुटिपूर्ण होने से कंपन की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। चौथा और पांचवा जो पॉइंट है वो वाइब्रेशन पे ही आधारित है, कंपन के कारण है। पहला, कंपन की संभावना बढ़ जाती है, तो तीसरा पॉइंट हमारा है कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण
टूट फूट की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। वियर एंड टीयर, टूट फूट की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और पांचवा और लास्ट है दांतों का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट दांतों का संरेखण सही ना होने से, दांतों का संरेखण सही ना होने से शोर ज्यादा होता है। दांतों का अलाइनमेंट सही ना होने से शोर ज्यादा होता है, ठीक। यह है लाभ हानियां। और उसके बाद अगला जो हमारा रहेगा वो है एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो गियर ड्राइव का जो एप्लीकेशन होता है वो मशीन औजारों में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, वायुयान के क्षेत्र में, खिलौनों में, मापन यंत्रों में, रोलिंग मशीनों में, इन सब जगहों पर इसका एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से, अब ये हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे गियर के प्रकार की, टाइप्स ऑफ गियर। तो हम गियर के प्रकार को यहां पर क्लासिफाई कर दे रहे हैं और उसके बाद आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको उसी तरह से याद कर लीजिएगा कि गियर के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के गियर होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्लासिफाई कर देना इसको। देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ गियर कराया गया है, क्लासिफिकेशन में शॉर्ट में लिख दिया है, तब इसको आप एक एक करके समझ लीजिए, उसके बारे में लिख लीजिए कैसे है किस तरह से। तो इसको चार प्रकार से मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ गियर को बांटा गया है, जिसमें ए जो है वो हमारा है गियर की गति, गियर की गति के आधार पर, जो गियर हमारा गति कर रहा है उसके आधार पर। तो ये उसके आधार पर, गियर की गति के आधार पर यहाँ पे लिख लीजिएगा, गियरों की गति के आधार पर ए। और इसमें इसको तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक हमारा उच्च गति गियर, दूसरा हमारा मध्यम गति गियर और तीसरा हमारा लो स्पीड गियर। इसमें जो हाई लो की होती है, ये होती है हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड से कम होती है, इसकी जो गति होती है वो 3 मीटर प्रति सेकंड से कम होती है। मीडियम की बात करेंगे तो ये 3 से 15 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर मध्यम गति की बात करेंगे तो 3 से 15 मीटर सेकंड की होती है और ये 15 से अधिक पर जब गति करेगा तो वो हमारा हाई स्पीड गियर हो जाएगा। तो गियर जो हमारा है गति के आधार पर, गियरों की गति के आधार पर तीन प्रकार से होता है, हाई स्पीड, मध्यम स्पीड और लो स्पीड, ठीक है। बी जो है वो हमारा गियरों की सतह पर, गियर की सतह पर कटे दांतों के आधार पर, दांते की प्रोफाइल के आधार पर। बी जो है वो हमारा क्या है, गियरों की सतह पर कटे दांते की प्रोफाइल के आधार पर। तो पहला हमारा है सीधा दांता गियर, दूसरा हमारा है हेलिकल दांता गियर और तीसरा हमारा है स्पाइरल दांता गियर, ठीक है। सीधा दांता गियर क्या होता है, इसमें जो दांते जो होते हैं वो शाफ्ट की अक्ष के समानांतर कटे होते हैं। तो वो गियर जिन पर दांते शाफ्ट की अक्ष के समानांतर कटे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सीधा दांता गियर कहलाता है। और हेलिकल की बात करेंगे तो वो गियर जिन पर दांते शाफ्ट की अक्ष से किसी कोण पर कटे होते हैं उन्हें हम हेलिकल गियर कहते हैं, तथा उस कोण को क्या कहते हैं, जो कोण वो शाफ्ट के साथ बनाते हैं इसको हम अल्फा हेलिक्स एंगल कहते हैं। ये हमारा क्या है, हेलिकल गियर है। और ये जो अल्फा है वो हमारा क्या है, हेलिक्स एंगल है, जो आपको चूड़ी में मिला था, डिजाइन में मिला होगा चूड़ी में। तो ये हमारा हेलिकल दांता गियर है। अब यदि ना तो उस पर सीधे कटे हैं और ना ही किसी कोण पर कटे हैं, वो कर्व के रूप में स्पाइरल शेप में कटे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरल दांता गियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पाइरल दांता गियर बोलेंगे। ये हमारा स्पाइरल है, ठीक है, ये स्पाइरल गियर, स्पाइरल दांता गियर है। अब तीसरा जो वो हमारा है, ए जो हमारा था पहला गियरों की गति के आधार पर, दूसरा गियरों की सतह पर कटे दांतों की प्रोफाइल के आधार पर, तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है वो है दो मिलने वाली शाफ्टों के अक्षों की स्थिति के आधार पर, ठीक है, या शक्ति पारित किए जाने वाले शाफ्टों के अक्षों की स्थिति के आधार पर। तो पहला इस उसमें है जब शाफ्ट की अक्ष क्या हो, समानांतर हो, फॉर पैरेलल एक्सिस शाफ्ट, जब शाफ्ट की अक्ष क्या हो, एक ही समतल में हो तथा समानांतर हो, तो कौन कौन से गियर यूज में आते हैं, स्पर गियर और हेलिकल गियर।
ठीक है। स्पर गियर क्या होता है, सीधे दांत इकट्ठे होते हैं तो उनको हम स्पर गियर बोलेंगे, और इनकी सहायता से दो समांतर शाफ्टों के बीच में शक्ति का पारेषण किया जाता है। ये हमारा हो गया स्पर गियर, ठीक है। हेलिकल गियर क्या है, हेलिकल गियर भी हमारा यही है, इसकी सहायता से ये देखिए दूसरा हमारा जो अगर होगा यहाँ पर हम बना दें छोटा सा पिनियन, तो इस पर भी क्या, तो ये हमारा क्या है इसमें अगर ये हेलिकल बना दें तो इस पर देखिए इसमें भी तिरछे दांत कटे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, हेलिकल हो गया, एक गियर हो गया, एक पिनियन हो गया, दोनों के बीच में शक्ति का पारेषण होना, तो इसको बोलेंगे हेलिकल गियर, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से दो समांतर शाफ्टों के बीच में शक्ति का पारेषण किया जाता है, ठीक। अब तीसरा जो हमारा है क्या कह रहा है कि जब शाफ्ट के अक्ष क्या कर रही हो, परस्पर किसी कोण पर मिल रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर परस्पर मिल रही हैं तो ये शाफ्ट की एक्सिस ये है एक, और दूसरी शाफ्ट की एक्सिस ये है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में शक्ति का पारेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, बेवेल गियर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे बेवेल गियर है जिस पर इस तरह से दांत कटे हैं, और दूसरा हमारा जो है वो इस तरह से है, इसकी अक्ष दोनों की क्या हो रही है, एक दूसरे को इस एंगल पर काट रही है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेवेल गियर, ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है, ठीक। ये क्या है, बेवेल गियर है। जब शाफ्ट की अक्ष क्या कर रही हो, एक दूसरे को किसी एंगल पर काट रही हो, तब हम वहां पर बेवेल गियर का यूज करते हैं, और जब वही एंगल जो होता है शाफ्टों के बीच मिलने वाले जो एंगल होते हैं वो यदि 90 डिग्री हो तो जो गियर यूज होते हैं उनको हम माइटर गियर कहते हैं, और ये बेवेल गियर किसी भी कोण थीटा पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इनकी जो एक्सिस हो सकती है वो किसी भी कोण पर काट सकते हैं, ये एंगल थीटा हो सकती है बेवेल गियर की। लेकिन माइटर गियर क्या होगा, माइटर गियर में दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, शाफ्ट जो होंगे वो परस्पर लंबवत होंगे, और जो दोनों गियर प्रयोग में लाए जाएंगे उनकी साइज क्या होगी, समान होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं माइटर गियर। जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसको माइटर गियर बोला जाता है। तो माइटर गियर कब होगा, जब शाफ्ट की अक्ष परस्पर 90 डिग्री पर काट रही हो तो माइटर गियर का प्रयोग करते हैं, जब किसी भी एंगल पर काट रही हो तो बेवेल गियर की सहायता से शक्ति का पारेषण किया जाता है। अब फॉर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, जब क्या हो, शाफ्ट ना तो एक दूसरे के समानांतर हो और ना ही एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तब हम सॉरी ना एक दूसरे को कहीं काट रही हो, तो किस प्रकार के चालन का प्रयोग करेंगे, तो उसमें आता है हमारा वर्म एंड वर्म गियर, जिसका प्रयोग आपने चारा मशीनों में देखा होगा, वर्म एंड वर्म गियर का। इसमें एक बेलनाकार वर्म होता है इस तरह से सीमित लंबाई का, जो अपनी अक्ष पर क्या कर रहा है, घुमाव गति कर रहा होता है, और इस पर कटे होते हैं हमारे स्पाइरल इस तरह से दांते, इस तरह के दांते कटे रहते हैं, और इसी के साथ में मिलकर के चलता है एक पहिया, इसके साथ मिलकर के चलता है पहिया जो इस तरह से गति करता है। तो इसकी शाफ्ट की अक्ष देखिए, ये हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वर्टिकल है, तो एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये ना तो एक दूसरे के समानांतर है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये वर्म एंड वर्म गियर का है। स्पाइरल जो दांते होते हैं उन पर स्पाइरल दांते कटे होते हैं, और इस तरह से ये आपके इसकी जो अक्ष होगी वो इधर की तरफ, और इसकी जो अक्ष होगी वो इधर की तरफ, ठीक है। इस पर इस तरह से दांते कटे रहेंगे तिरछे, और इस पर इस तरह से तिरछे दांते कटे रहेंगे, स्पाइरल दांते कटे रहेंगे, ठीक है। ये इनकी एक्सिस है, ठीक। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो ये दोनों परस्पर इस तरह से मिल करके चलते हैं, और इनकी जो अक्षें होती हैं वो ना तो एक दूसरे के समानांतर होती हैं और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो किसी कोण पर होती हैं, अर्थात इनके एक समय में दांते का सिर्फ एक ही बिंदु मिलता है कर्व शेप का, तो ये होता है हमारा स्पाइरल गियर। तो ये हमारा हो गया गति, मतलब शाफ्टों की अक्षों के आधार पर गियरों के प्रकार। अब तीसरा सॉरी चौथा और लास्ट है हमारा क्या है, वो जो है वो है आपका परस्पर मिलने के आधार पर, गियरों के परस्पर मिलने के आधार पर। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा इंटरनल गियरिंग और एक होता है हमारा एक्सटर्नल गियरिंग। तो ये हमारे जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल गियरिंग का है, जब बाह्य दांते मिल रहे हैं, ठीक है,
जब दाते क्या हो बाहर मिल रहे हो तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल गियरिंग बोलेंगे, और जब यही दाते हमारे क्या मिल रहे हो अंदर की तरफ मिल रहे हो तो इनको हम इंटरनल गियरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा आंतरिक गियर है, ये हमारा क्या है बाह्य है। तो जब दोनों गियर चालक तथा चलित गियर परस्पर बाह्य मतलब बाह्य सतह मिल रही हो तो उनको हम एक्सटर्नल गियरिंग बाहरी मिलान बोलेंगे, बाहरी मिलान या बाहरी गियरिंग बोलेंगे, और जब वो आंतरिक सतह मिल रही हो तो उनको हम मतलब जैसे हमारा ये इस तरह से इंटरनल मिल रहा हो एक एक्सटर्नल मिल रहा हो, ठीक, तो इसको एक्सटर्नल गियरिंग और इसको हम इंटरनल गियरिंग बोलेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो टाइप्स ऑफ गियर है वो यही समाप्त होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है ट्रेन वैल्यू क्या होती है, और उसी के साथ हम बात करेंगे गियर ट्रेन की। ठीक है, ट्रेन वैल्यू तथा गियर ट्रेन। ट्रेन वैल्यू तथा गियर ट्रेन की बात कर लेंगे। तो गियर ट्रेन जो आपको पढ़ना है सिलेबस में वो दो ही गियर ट्रेन दो ही पढ़ने हैं बेसिकली, एक आपका दूसरे का ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है तीसरा वाला, तो उसकी बात करेंगे। चलिए तो पहले ट्रेन वैल्यू जान लेते हैं कि ट्रेन मान क्या होता है और उसके बाद वेगा अनुपात क्या होता है, तो उन चीजों को जान लेते हैं। तो लिख लीजिएगा टीवी या ट्रेन वैल्यू। ठीक है, ट्रेन वैल्यू क्या होता है, किसी भी गियर के लिए जो ट्रेन वैल्यू होता है वो ओमेगा चलित बटा ओमेगा चालक होता है। ट्रेन वैल्यू जो होती है वो ओमेगा चलित बटा ओमेगा चालक होता है, मतलब ओमेगा ड्रिवेन बटा में ओमेगा ड्राइवर, यानी यहां पर यदि हम लिखें यन ड्रिवेन और ये हो जाएगा हमारा एन ड्राइवर। तो क्या होगा हमारा ट्रेन वैल्यू किस तरह से परिभाषित करेंगे, गियर ट्रेन में ट्रेन मान या ट्रेन वैल्यू का मान चलित तथा चालक गियर की गतियों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा है वेगा अनुपात वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ट्रेन वैल्यू का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1/TV, यानी कि ये क्या हो जाएगा यन ड्राइवर अपान यन ड्रिवेन। ठीक है, यानी कि ओमेगा चालक बटा ओमेगा चलित भी कह सकते हैं। तो इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे भाई, ट्रेन वैल्यू में जो वेगा अनुपात होता है वह चालक तथा चलित के गति अथवा कोणीय वेग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, अब हम हेडिंग डाल देंगे टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट इसी टॉपिक में ही हम सोच रहे हैं कि सारा आपका जो ट्रेन है वो खत्म कर दिया जाए गियर ट्रेन। तो अगला वीडियो जो होगा, क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उतना ही अच्छा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आराम से देख लीजिएगा। अब जो हमारा है वो लिख लीजिएगा हेडिंग टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, या पहले गियर ट्रेन लिख लो, गियर माला क्या होती है, गियर ट्रेन क्या होता है उसको जान लो, तो फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। ठीक है, गियर ट्रेन में लिखिएगा गियरों का ऐसा संयोजन जिसकी सहायता से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर शक्ति का अपारेषण किया जाता है गियर माला कहलाता है। गियर माला कहलाता है। इसका प्रयोग गति बढ़ाने अथवा कम करने हेतु बच्चों के खिलौनों, स्कूटरों, ऑटोमोबाइल आदि में किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। ये निम्न प्रकार के होते हैं, पहला सिंपल गियर ट्रेन, साधारण गियर माला,
दूसरा कंपाउंड गियर ट्रेन, संयुक्त गियर माला, और तीसरा जो होता है हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन, प्रत्यावर्ती गियर माला। ठीक है, रिवर्टेड गियर ट्रेन, प्रत्यावर्ती गियर माला। तो ये बेसिकली तीन प्रकार के हैं हमारा, साधारण गियर माला, संयुक्त गियर माला और ये प्रत्यावर्ती गियर माला। अब बारी बारी से इन सभी गियरों की बात की जाएगी। इस गियर में कौन कौन सा, पहले सिंपल गियर ट्रेन पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड, फिर रिवर्टेड, यही तीन पढ़ेंगे और यहां आपका हो जाएगा ये गियर ट्रेन समाप्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। हेडिंग डाल देंगे साधारण गियर माला, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, साधारण गियर माला। यहां पर एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। ये ए है हमारा, ये बी है, ये हमारा माध्यमिक गियर, सी है। इसके लिए जो दांतों की संख्या है वो है टी ए, और ब्यास की जो संख्या है वो डी ए, और इसकी संख्या जो है वो एन ए है। इसकी जो गति है वो है एन सी, दांतों की संख्या टी सी और डायमीटर डी सी। इसके लिए गति एन पी, दांतों की संख्या टी बी तथा डायमीटर जो इसका है डी बी। ठीक है, तो लिखिएगा इस गियर ट्रेन में सभी शाफ्टों पर, इस गियर ट्रेन में सभी शाफ्टों पर एक एक गियर लगे होते हैं। इस गियर ट्रेन में सभी शाफ्टों पर एक एक गियर लगे होते हैं। जो शाफ्ट की अक्ष के परितः घुमाव गति कर रहे होते हैं, ये इस दिशा में घूमेगा तो ये इस दिशा में घूमेगा और ये इस दिशा में घूमेगा। घुमाव अक्ष, शाफ्ट की अक्ष के परितः घुमाव गति कर रहे होते हैं। चित्र में तीन गियर ए बी सी दर्शाए गए हैं, जिसमें ए चालक, प्रथम चालक, बी अंतिम चलित तथा सी माध्यमिक गियर है। इन पर दांतों की संख्या क्रमशः टी ए, टी बी तथा टी सी, गति एन ए, एन बी, एन सी तथा इनका ब्यास क्रमशः डी ए, डी बी तथा डी सी है। डी ए, डी बी तथा डी सी है। गियर ए का पिच रेखीय वेग बात करेंगे। यदि हम जैसे उसमें बात करते थे वीबी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वीए, वीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डीए इनटू एनए, बटा में 60 कर देंगे तो सेकंड में आएगा, ये मीटर प्रति मिनट में है तो 60 कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी के लिए वीबी बराबर क्या हो जाएगा भाई, पाई डीबी इनटू एनबी हो जाएगा, अपान 60 हो जाएगा। और बीसी के लिए क्या हो जाएगा, पाई डीसी इंटू एनसी अपान 60, एनसी अपान 60। चूंकि गियर ए व सी परस्पर मिल रहे हैं, ए और सी परस्पर मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए और सी परस्पर मिल रहे हैं तो इनका वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी सी, तो इनका पिच रेखीय वेग समान होगा। मिल रहे हैं तो इनका पिच रेखीय वेग समान होगा, यानी कि पाई डी ए इंटू एन ए अपान 60 इज इक्वल टू पाई डी बी इंटू एन बी अपान 60, सॉरी सी मिल रहा है ना तो एन सी। ठीक है, अब यहां से पाई बाय 60 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एन ए अपान
एनसी बटा में डीए अपान डीसी, समीकरण नंबर एक। क्या हो गया? समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार बी व सी के लिए, बी व सी भी परस्पर मिल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बी सी बराबर बी भी होना चाहिए, यानी कि पाई डीसी एनसी बटा में 60 बराबर होना चाहिए किसके? पाई डीबी इंटू एनबी के। अब यहां से यदि हम निकालें तो एनसी बटा एनबी कितना आ जाएगा? एनसी बटा एनबी तो कितना आ जाएगा आपका? डीबी बटा में डीसी, समीकरण नंबर दो। ठीक है, समीकरण एक व दो का गुणा करने पर, समीकरण एक व दो का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा भाई? एन ए अपान एन सी गुणे एन सी बटा में एन बी बराबर डी सी बटा डी ए इंटू डी बी बटा में डी सी। अब ये डी सी से डी सी कट गया, एन सी से एन सी कट गया, तो क्या आ गया हमारा? एन ए बटा में एन बी बराबर डी बी बटा में डी ए। और यही क्या हमारा? वेगा अनुपात है, वेलासिटी रेशियो है। ये क्या हमारा? वेलासिटी रेशियो है। और यदि टीबी की बात करें तो टीबी बराबर क्या होता है? वन अपान वी आर, यानी कि एन बी बटा में एन ए बराबर डी ए बटा में डी बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साधारण गियर वाला के लिए वेगा अनुपात तथा ट्रेन वैल्यू, जिसका मान क्या आया? चालक चलित गियर पर चलित गियर का व्यास बटा में चलित गियर पर सॉरी चालक गियर का व्यास। अब इसी को यदि हम डी और टी में रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी बी अपान टी ए, और ये हो जाएगा हमारा टी ए बटा में टी बी, जहां पर टी क्या है? हमारा दांतों की संख्या है। तो डी और टी और एन में ये रिलेशन आ गया। ठीक, ये था हमारा सिंपल गियर ट्रेन। अब हम आगे बात करेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन की, तो चलिए बढ़ते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन पर। तो देखिए, ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन था, अब इसी को हम कंपाउंड बना देंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस ए को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और बी मिटाई देते हैं, नया फिगर बना देते हैं। ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन में ये देखिए, ये हमारा एक चालक गियर है। ठीक है, जिससे ये गियर हमारा सी जो है वो चल रहा है। ठीक, अब इसी पर एक गियर और लगाया है छोटा सा, जो इस गियर को वो चला रहा है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, जिसमें ये हमारा छोटा वाला सी है और ये बड़ा वाला डी, सॉरी बड़ा वाला सी है, छोटा वाला डी है। ठीक है, तो ये गियर ट्रेन इस तरह से दर्शाया गया है। इसमें ए जो है वो हमारा इधर घूम रहा है, तो सी हमारा इधर घूमेगा। ठीक है, सी का डायरेक्शन ये होगा और ये इधर घूमेगा, तो बी हमारा इधर की तरफ घूमेगा। तो घूमने की दिशा क्या है? दोनों की सेम है। ठीक है, तो यहां हेडिंग डाल दीजिएगा कंपाउंड गियर ट्रेन। अब इसमें लिखिएगा, इस गियर ट्रेन में प्रत्येक माध्यमिक शाफ्ट पर दो गियर लगे होते हैं। प्रत्येक माध्यमिक शाफ्ट पर दो गियर लगे होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एन ए डी ए और टी ए जो है वो ए के लिए है, चालक प्रथम चालक के लिए है। ठीक है, इसी तरह से एन बी डी बी एंड टीबी जो है वो क्या है? अंतिम चलित, आखिरी चलित जो है, अंतिम चलित है जो, उसके लिए बी है। ठीक है, और एनसी टीसी डीसी जो है वो गियर सी के लिए है, और एनटी टीडी ये सब लिखेंगे, और डीडी जो है वो हमारा गियर डी के लिए। तो लिख लेंगे कि चित्र में कंपाउंड गियर ट्रेन दर्शाया गया है, जिसमें प्रथम चालक गियर ए तथा अंतिम चलित गियर बी को चलाने के लिए
माध्यमिक गियर सी तथा डी का प्रयोग किया जाता है, माध्यमिक गियर सी तथा डी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चालक गियर ए के लिए, जिसमें गियरों के लिए लिख लीजिएगा इस तरह से, गियर ए बी सी डी के लिए गति क्रमशः एन ए एन बी एन सी तथा एन डी, दांतों की संख्या टी ए टी बी टी सी तथा टी डी व उनका व्यास क्रमशः डी ए डी बी डी सी तथा डी डी है। गियर ए गियर सी को चलाता है, गियर सी की ही शॉर्ट पर गियर डी लगा हुआ है जो गियर बी को चलाता है। अतः गियर ए का पिच रेखीय वेग भी ए बराबर क्या होगा भाई, बी ए बराबर हो जाएगा पाई डी ए इंटू एन ए अपान में 60। इसी प्रकार बी का भी बी बराबर पाई डी बी इंटू एन बी अपान 60। सी का क्या होगा, बी सी बराबर पाई डी सी इंटू एन सी अपान 60। डी का क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू पाई डी डी इंटू एन एन डी बटा में 60। ठीक है, ये किसकी बात कर लिए हम, पिच रेखीय वेग की। चूंकि गियर ए व सी तथा डी व बी परस्पर मिल रहे हैं इसलिए वी ए बराबर वी सी होगा एंड वी डी बराबर क्या होगा, वी बी होगा। ठीक है, तो वी ए बराबर वी सी से, वी ए बराबर वी सी से क्या हो जाएगा भाई, वी ए बराबर वी सी करेंगे तो ये हो जाएगा पाई डी ए इंटू एन ए बराबर पाई डी सी इंटू एन सी, और यहां से यदि हम काटें तो ये हो जाएगा एन ए अपान एन सी इज इक्वल टू डी सी बटा में डी ए, समीकरण नंबर एक। ठीक है, तथा वी डी बराबर वी बी से क्या हो जाएगा पाई, यहां पर 60 है, 60 भी कर सकते हैं तो 60 भी कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, पाई डी बी सॉरी डी 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 एन डी बटा में 60 बराबर पाई डी बी इंटू एन बी बटा में 60। तो यहां से पाई बाई 60 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एन डी बटा में एन बी बराबर डी बी बटा में डी डी, समीकरण नंबर दो। पुनः समीकरण एक व दो का गुणा करने पर क्या आ जाएगा भाई, एन ए अपान में एन सी गुणे एन डी बटा में एन बी बराबर डी सी गुणे डी बी बटा में डी, यहां पर डी ए गुणे में डी सी, ये वैल्यू हमने पुट करके यहां पर कर दिया। चूंकि सी व डी एक ही शॉर्ट पर स्थित हैं, चूंकि सी व डी एक ही शॉर्ट पर स्थित हैं, इसलिए एन सी बराबर क्या होगा एन डी होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा एन ए अपान में एन बी इज इक्वल टू वी आर, एन बी अपान में एन डी इज इक्वल टू डी सी गुणे में डी बी, ये कट जाएगा दोनों बटा में डी ए गुणे में डी सी बराबर, हम इसको लिख सकते हैं टी सी गुणे टी बी बटा में यहां पर डी होगा टी ए गुणे टी डी, ये हो गया हमारा वेगा अनुपात, यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा एन चालक बटा में एन चलित बराबर चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणनफल,
चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणनफल बटा में चालक गियरों पर दांतों की संख्या का गुणनफल। ठीक है, ये जो वेग अनुपात इसका आ गया। और बात करेंगे यदि हम टीवी की, तो टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/VR, यानी इसी का जस्ट उल्टा, चालक गियरों पर दांतों की संख्या का उल्टा हो जाएगा इसका। ये सेम चीज कॉपी कर देंगे उलट करके, 1/V, तो ये क्या हो जाएगा, एन चलित बटा में एन चालक। ठीक है, यही संयुक्त गियर माला का वेगा अनुपात होता है, वेगा अनुपात तथा ट्रेन वैल्यू होती है। ठीक है, अब जो अगला और तीसरा और लास्ट केस है वो रिवर्टेड गियर ट्रेन का है, और रिवर्टेड गियर ट्रेन का भी वेगा अनुपात सेम ही आता है, बस फिगर थोड़ा सा बदल जाता है। प्रत्यावर्ती गियर माला में एक पॉइंट लिख लेंगे उसमें, यहां पर हम बदल दे रहे हैं उस चीज को, रिवर्टेड गियर ट्रेन इसमें लिख लीजिएगा, यह एक संयुक्त गियर माला ही होती है, यह एक संयुक्त गियर माला ही होती है, परंतु इस गियर माला में, परंतु इस गियर माला में प्रथम चालक तथा अंतिम चलित प्रथम चालक तथा अंतिम चलित की अक्ष एक ही होती है, प्रथम चालक तथा अंतिम चलित की अक्ष एक ही होती है। यह हमारा एन ए, ये हमारा ए है, ए मिल रहा है सी से, सी मिल रहा है डी से, डी मिल रहा है बी से, यह हमारा चालक है और यह हमारा चलित है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, माध्यमिक गियर है, ये दोनों हमारे क्या हैं, माध्यमिक गियर है। तो ये रिवर्टेड हो जाएगा। इसमें देखिए, ये जो है ए से गति आएगी सी पर, और सी से गति जाएगी डी पर, और डी चलाएगा बी को, ये दोनों एक सीध में है, इसीलिए यह बन जाता है हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, माध्यमिक गियर माला बन जाती है ये, सॉरी प्रत्यावर्ती गियर माला बन जाती है, इसमें ए और बी की अक्ष क्या हो जाती है, एक ही स्थिति में हो जाती है। तो ये इसी का ही स्पेशल केस है, सब कुछ सेम है, सारा डेरिवेशन आपका सेम है, बस वहां पर स्टार्टिंग में लिख देंगे कि इस गियर माला को चित्र में दर्शाया गया है, बस इस चीज को वहां पर लिख देंगे, बाकी सारा कैलकुलेशन आपका क्या होना है, सेम होना है, इसी को छाप लेना है। तो इस तरह से आपका पावर ट्रांसमिशन में जो गियर ड्राइव है वो खत्म होता है। अब आपका बच गया है एक जो है बेल्ट ड्राइव, और दूसरा जो चैप्टर बच गया है, सॉरी चेन ड्राइव बच गया है, और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका कैम फॉलोअर है। तो 2 से 3 वीडियो लगेंगे उनको खत्म करने के लिए, तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।